मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हूँ। जाने अनजाने मैं लूथरा हाउस की बहू हूँ। तुम्हें पता है तुम मुझसे बहुत सारे काम करा सकते हो। ये तुम्हारे सड़े हुए दिमाग का सड़ा हुआ वहम है। मेरी बात कान खोल के सुनो और समझो। आज तक ना मैंने किसी को भी अपने सर पे नहीं बिठाया। सिर्फ एक बैठी है, सिर्फ बैठी नहीं है, बैठ के नाची भी है, वो हो तुम। हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ। जैसे मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं इंसान को निकाल फेंकता हूँ। पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, या फिर तुम इस घर की लूथरा हाउस की बहू हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो सुन लो मेरी बात, मेरे प्यार से ना मुझे मत काटना, समझ में आया? और एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात सुनो और समझो। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट एजेंडा, टारगेट, एम, जो समझना है समझ लो, वो ये है कि मुझे प्रीता को हराना है, उसे रोड पे ले आना है, उसको उसकी औकात याद दिलानी है। आज प्रीता ने मुझे जो कुछ भी छीन लिया ना, वो सब मैं वापस उससे छीन लूंगा, और वो भी कल परसों नहीं, आज के आज। और इस काम के लिए जो भी मेरी मदद करेगा, जो भी लड़की मुझसे ये कहेगी कि वो प्रीता को रोड पे ले आएगी, उसको उसकी असली औकात याद दिला देगी, उसको हरा देगी, तो मैं उस लड़की को सपोर्ट करूंगा, उसकी मदद करूंगा, फिर चाहे वो लड़की नताशा ही क्यों ना हो। डू यू अंडरस्टैंड? देखो, एंड लिसन, शरीन, तुम लूथरास को प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना, क्योंकि तुम लूथरा से बहुत प्यार करती हो, उनको अपना परिवार समझती हो। जो करना है करो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचती रह जाओगी, क्योंकि लूथरास मेरे दुश्मन नंबर वन है। प्लीज पृथ्वी, मेरा परिवार मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है, मैं उन पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी। अरे तुम कम थे क्या कि प्रीता भी इस घर में आकर बैठ गई? प्रीता को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन तुम मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, समझे तुम? हाँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? किसी के कमरे के बाहर खड़ी होके छिप छिप के ताक झाक करना अच्छी बात है क्या? मैं ताक झाक नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, आवाज सुना तो रुक गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे थे? Listen, wifey, मैं अपना फोन कमरे में भूल गया, प्लीज ले आओ। थैंक यू। वो कृतिका मेरी बीवी है, शर्लिन इस घर की बहू। तुम बस ये याद रखो, अच्छा खाओ और सबसे ज्यादा मीठा खाओ, ताकि जुबान पे मिठास बनी रहे और बॉडी में सेहत बनी रहे। वो क्या है ना, बनाने में वक्त लगता है और बनाई हुई चीज बहुत अच्छी भी लगती है, पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता, पता है ना? क्या हुआ, दिल को ठंडक पहुंच गई? एक बात बताइए, आप यहाँ लूथरा हाउस में घूमते क्यों रहते हो, तांग झांक क्यों करते रहते हो? ओए होए, मैं तांग झांक नहीं कर रही थी, मैं तो बस बेचारी इस घर में घूम रही थी। लेकिन ये बता कि तू पृथ्वी के साथ इस कमरे में क्यों घूम रही थी? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं कौन होती हूँ ये तुझे बाद में बताऊंगी, अभी मैं जाकर परिवार वालों को बताती हूँ कि तू पृथ्वी के साथ क्या कर रही थी। ये बुढ़िया सच में सटिया गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। Thank you.
जानकी आंटी। हाँ पुत्र, क्या हो गया? आप अकेले यहाँ बैठे हैं और काफी परेशान भी लग रहे हैं। अब क्या सोच के परेशान हो रहे हो? और वैसे आप अकेले क्यों बैठे हो? वो सृष्टि कहाँ गई? सृष्टि को तो घर भेज दिया। वो सरला बहन जी अकेली थी ना, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए, इसलिए भेज दिया। तो कितना अच्छा किया। अच्छा है, माँ के पास रहेगी, माँ का ख्याल रखेगी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप कुछ सोच रहे हो, क्या बात है? पुत्र, एक बात बोलूं? जी। देख, तू यहाँ आई है इन घर वालों की मदद करने के लिए, क्योंकि सब मुसीबत में पड़े हैं। लेकिन पुत्र, इनकी मदद करते करते अगर तू मुसीबत में फंस गई तो तुझे कौन निकालेगा? लेकिन आप ऐसा सोच ही क्यों रही हैं? मैं क्यों मुसीबत में फंसूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया है? नहीं, कहा नहीं, मैंने महसूस किया है। पुत्र, ये जो शर्लिन है ना, ये पहले जैसी थी वैसे आज भी है, और वो तो तेरे खिलाफ ही थी, लेकिन इस घर में कोई और भी है जो पहले कभी तेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उसे भी अपने खिलाफ ही समझ, कृतिका। पुत्र, मैनु लगता है कि वो तेरा साथ नहीं, पृथ्वी का साथ देगी। पुत्र, अब पृथ्वी उसका पति है, और पति कैसा भी हो, पत्नी कितना भी बगावत करे, कितनी भी नफरत करे, लेकिन आखिर में साथ उसका ही देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और कृतिका भी तो एक पत्नी है, आखिर में साथ अपने पति पृथ्वी का ही देगी, और ये देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं होती। इट्स ऑल राइट, आप जानती हैं ना किन हालातों में कृतिका की शादी हुई थी। उसका जो पहला रिश्ता था, उसने कृतिका को किस तरह तोड़ दिया था। पर जानकी आंटी, माने या ना माने, समाज ऐसा ही है, अगर दूसरा रिश्ता भी किसी वजह से टूट जाता है या उसमें नहीं बनती है तो उंगलियां लड़की पर ही उठती हैं। तो कृतिका अगर अपना रिश्ता संभालना चाहती है, ये शादी नहीं तोड़ना चाहती है, तो क्या बुरा कर रही है? मैं ये नहीं कह रही कि कृतिका एक ओल्ड फैशन लड़की है, पिछड़े हुए ख्यालों की है या जुल्म सहने वाली लड़की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक ट्रेडिशनल लड़की है, संस्कारी है, अब शादी की है, अपनी शादी निभाना चाहती है, अपने पति का साथ देना चाहती है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप अपने मन में उसके खिलाफ कोई बैर मत रखिए। पुत्र, ये तो तेरा बड़प्पन है, बड़ी समझ है, मैंने महसूस किया तो तुझे बता दिया। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, और वैसे भी आप मेरे साथ हैं तो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं अभी आई। हाँ। किसे देख रहा था पुत्र? प्रीता को। प्रीता,
कहाँ है प्रीता? वो एक्चुअली यहीं थी अभी, लेकिन चली गई है। यानी कब आती है, कब चली जाती है, क्या कहती है, क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है कि यह हम सबके खिलाफ आई है, कभी लगता है कि लूथरा बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने आई है। अच्छा कुछ भी ना, अच्छा लगता है। एक बात कहूं, मेरा दिल कहता है कि प्रीता इस घर में लौट के आई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी वो हम सब से, तुझसे बहुत प्यार करती है। वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई पुत्र, वो यहाँ सिर्फ प्यार के लिए आई है। बस बात इतनी सी है, कंफ्यूज्ड क्यों? मेरी एक बात मानेगा, प्रीता से लड़ाई झगड़ा मत किया कर। वैसे भी वो पृथ्वी के साथ तो लड़ती रहती है हमें बचाने के लिए। अब अगर तू उसके साथ लड़ेगा तो उसका क्या होगा? सोचा है कभी? मत लड़ा कर उसके साथ। मैं तो उसके साथ हूँ, और पृथ्वी के खिलाफ हमेशा। पृथ्वी जी का फोन। कहाँ रखा होगा? यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ड्रॉर चेक करती हूँ। जी आपका फोन तो आपके पास ही है, आपने कहा था रूम में है, तो मुझे क्यों भेजा ढूंढने के लिए? क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी कृति। कहिए। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। देखो कृति, मैं जानता हूं कि हमारा रिलेशन ना बहुत टाइम से खराब चल रहा है, या फिर यूं कहूं कि सिर्फ एक स्टैंप लगा हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे एज ए हस्बैंड ना तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम्हें प्यार देना चाहिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक चीज दिया, गुस्सा। पर एक बात बोलो, कि जो मेरा गुस्सा था ना, ये जायज था। तुम जानती हो ना क्यों? I can understand. No, you don't understand. मैंने अभी तक तुम्हें समझाया ही नहीं है, अब समझाता हूँ। मेरे गुस्से की वजह तुम नहीं थी, मेरे गुस्से की वजह थी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, वो प्रीता। उसकी वजह से गुस्सा था मैं। तुम जानती हो ना क्यों गुस्सा था? क्योंकि तुमने मेरी बीवी होकर, मेरी पत्नी होकर मेरी दुश्मन का साथ दिया, और उसकी वजह से मैं आपको अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट मैं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ कृति, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। मैं अरेस्ट उसकी वजह से हुआ हूँ। उस प्रीता ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें यूज किया। क्यों? क्योंकि तुम इनोसेंट हो। जरा सोचो, एक पत्नी को इस्तेमाल करके एक पत्नी से अपने पति को ही दूर कर दिया, ऐसी है वो प्रीता। और तुमने क्या किया? जाने अनजाने में ही सही, मेरी दुश्मन का साथ दिया। समझ ही नहीं पाई कि क्या सही है क्या गलत। नादान हो ना तुम, शायद इसलिए। पर कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि तुम नादान हो, तुम किसी की भी बात में आ सकती हो। उस प्रीता ने बहुत चालाकी से तुम्हें अपनी साइड कर लिया, अपने पति के खिलाफ कर लिया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है कृति। मैं चाहता तो तुम्हें समझा सकता था। इन 2 सालों में मेरे पास कई मौके मिले तुम्हें समझाने के लिए, पर मैंने तुम्हें नहीं समझाया। ये मेरी गलती है। क्या करूं? गुस्सा था मेरे अंदर ना, बहुत गुस्सा था। मैं इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ, अपने पति के खिलाफ कैसे जा सकती है। देखो, मैं ये भी मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत खराब काम किए हैं, लेकिन मैं खराब इंसान नहीं हूं। मुझे लोगों ने और हालात ने ऐसा बनाया है। कृति, देखो अब भी देर नहीं हुई है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मुझे लगता है अगर सारे लोगों में से सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो तुम्हारे साथ हुआ है, और ये सोच के ना मुझे तकलीफ होती है। तो एक नई शुरुआत करते हैं ना, पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं।
मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। देखो अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, फिर से वैसे रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे, एक हस्बैंड वाइफ की तरह। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, वो सारे हक दूंगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। आई प्रॉमिस। बोलो मुझे माफ करोगी, फिर से मेरे साथ वैसे रहोगी जैसे हम रहते थे एक हस्बैंड वाइफ की तरह? बोलो कृति मुझे माफ करोगी या नहीं? मन नहीं मान रहा है तुम्हारा, है ना? कोई बात नहीं, मैंने काम ही ऐसे किया है, मैं माफी लायक नहीं हूं, मैं जानता हूं। पर एक बात बोलो, तुम मुझसे प्यार करो ना करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। जी मैंने आपको माफ किया। जो जंग सुई से लड़ सकता हूं उसके लिए तलवार क्यों उठाऊं? मेरा हथियार मेरी सुई, ये कृति का अब ये बनेगी मेरा हथियार। रीता के खिलाफ ये करेगी तगड़ा वार, क्योंकि एक पत्नी की लड़ाई में जो दम होता है ना वो पति को शहंशाह बना देता है। कृति, कृति मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम उस रीता का साथ कभी नहीं दोगी। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अरे एमएलए सूर्येंद्र जी और मिस्टर नानावरी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप कहीं दिख ही नहीं रहे थे। हम तो यही हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप ही नहीं दिख रहे काफी देर से, आप कहाँ थे? हाँ तुम थे कहाँ? समाज सेवा करने गया था, सोशल सर्विस। मेरे ऑफिस स्टाफ में से ना एक की मॉम की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई, तो उन्हें अर्जेंटली एक हॉस्पिटल और इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बस मैं चला गया वहां पर सही वक्त पे उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो जो एम्प्लॉय है अपनी मॉम का इलाज करवा सके। वैसे देखिए मैम, खुद के मुँह से तो अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन मेरी मॉम कहती है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ। आप जानते हैं मैं कभी भी ना किसी इंसान में भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए जो भी लोग काम करते हैं ना उन्हें हमेशा मैंने यही फील करवाया है कि वो खुद मेरी कंपनी के मालिक हैं। मालिक से याद आया, उस लड़की ने प्रेजेंटेशन दिया होगा ना, क्या नाम है उसका, प्रीता, प्रीता ने प्रेजेंटेशन दिया होगा राइट? बस उसमें एक चेंज है, एक छोटा सा चेंज, कंपनी का नाम लूथरा इंडस्ट्रीज नहीं है बल्कि कंपनी का नाम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज है, दैट्स ऑल। पृथ्वी मैं इस बिजनेस में आजकल से नहीं हूं, बहुत पुराना हूं, यू नो एक्सपीरियंस्ड मैन। तुम्हारे चेहरे पे इनसिक्योरिटी साफ देखी जा सकती है, और ऐसी इनसिक्योरिटी हर उस आदमी के चेहरे पे होती है जिसे लगता है कि किसी ने उससे कोई चीज चुरा ली है। एक्चुअली एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग जैसे होते हैं ना वो पूरी दुनिया को उसी नजर से देखते हैं, लेकिन पिता की नजर ऐसी नहीं है, वो कुछ और ही चीज है। उसने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था वो तो कुछ और ही था। मिस्टर नाना भाई, मैं आपके एक्सपीरियंस की इज्जत करता हूं, पर मेरा यकीन मानिए, अगर आपने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया ना तो मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को कहां से कहां ले जाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते। और एक फ्री की एडवाइस देता हूं आपको, प्रेजेंटेशन का क्या है, प्रेजेंटेशन तो कोई भी बना सकता है, ये मैं आप कोई भी बना सकता है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कोई भी बना सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है,
उस प्रेजेंटेशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं जानता हूं, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज जानती है। देखिए ननावरे जी, आप ना इन लड़कियों की बातों में मत आओ। ये प्रेजेंट कुछ करती हैं, बोलती कुछ है, बाद में करती कुछ और है, इनका क्या है? देखिए इनकी दो लफ्जों की कहानी में मत आइए आप, ये लड़कियां होती ऐसी है। पृथ्वी जी, आज के जमाने में ये लड़का लड़की ना, अरे उसने जो प्रेजेंटेशन दिया और जो प्रपोजल दिया है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट हम लोग तो प्रीता जी से फर्दर डिस्कशन के लिए फिर से मिलना चाहते थे, लेकिन वो पता ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही कहाँ। मान लीजिए वो आ गई। I am so sorry. मुझे पता लगा आप दोनों मुझसे बात करना चाहते थे। But actually, presentation में कुछ एक surprise point है जो अभी तक मैंने किसी को disclose नहीं किया। वो मैं पहले सबको बता देना चाहती हूँ, उसके बाद आराम से हम बात करते हैं। जो भी हो, ये हम लोग के लिए फायदेमंद ही होगा। बिल्कुल। Excuse me for a while. ये प्रीता कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।